नमस्कार दोस्तों। सो फाइनली शाओमी ने अपना गेमर्स के लिए मोबाइल बना दिया है। जी हाँ दोस्तों, शाओमी ने अपना ब्लैक शार्क नाम से मोबाइल लॉन्च कर दिया है स्पेशली गेमर्स के लिए। शाओमी ने जो है ब्लैक शार्क की कंपनी के साथ में टाई अप कर दिया था एंड उसके साथ में ये लॉन्च कर दिया है ब्लैक शार्क, जो कि अप्रैल में मतलब कि कल ही लॉन्च हुआ ये मोबाइल मार्केट में। तो आज की इस वीडियो में हम इस बेहतरीन डिवाइस का कंपेरिजन करने वाले हैं। कुछ दिनों पहले लॉन्च हुआ रेजर कंपनी, ऐसी कंपनी जो कि सिर्फ और सिर्फ काम करती है गेमर्स के लिए, तो उसी कंपनी ने अपना रेजर नाम का फोन लॉन्च किया था। तो आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे ब्लैक शार्क का एंड रेजर का, जानेंगे कि कौन से फोन में आपको सबसे बेहतरीन फीचर देखने को मिलते हैं। दोनों फोन ऑलमोस्ट सेम है, बट कुछ कुछ फोन में थोड़े से एडवांस फीचर आपको देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए अगर आप लेना चाह रहे हैं इनमें से कोई भी मोबाइल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नकुल, आप देख रहे हैं वेक्टर टेक चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं ब्लैक शार्क का एंड रेजर मोबाइल का। तो चलिए शुरुआत करते हैं डिस्प्ले के साथ, क्योंकि अगर गेमर है तो गेमर के लिए डिस्प्ले बहुत ही मैटर करते हैं। तो यहाँ पे शाओमी में आपको देखने को मिलेगा 5.99 इंच का एक IPS डिस्प्ले, जो कि 403 PPI का सपोर्ट होगा। मतलब कि ये डिस्प्ले सच में काफी बेहतरीन होगा, जिसका एस्पेक्ट रेशियो होगा 18:9 का। मतलब ये भी बेजललेस फोन होने वाला है। फिलहाल तो सभी मोबाइल जो है वो बेजललेस आते हैं। यहाँ पे बात करें रेजर की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 5.7 इंच का एक IPS डिस्प्ले। जी हाँ दोस्तों, बट ये डिस्प्ले थोड़ा सा बेहतरीन है ब्लैक शार्क से। इसमें आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा 503 PPI का। तो ये डिस्प्ले सच में काफी बेहतरीन है, बट इस पे आपको देखने मिले गए 16:9 एस्पेक्ट रेशियो। जी हां दोस्तों, डिस्प्ले थोड़ा सा पुराने जमाने का है, बट ये डिस्प्ले सच में काफी एक बेहतरीन एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। सो दोनों फोन के डिस्प्ले काफी बेहतरीन है, बट यहां पे ब्लैक शार्क में आपको थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं दोनों फोन के परफॉर्मेंस के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे ब्लैक शार्क में आपको देखने मिलेगा क्वालकॉम के तरफ से आने वाला एक बेहतरीन प्रोसेसर। यहाँ दोस्तों, स्नैपड्रैगन का 845 वाला नया लेटेस्ट एक बेहतरीन प्रोसेसर आपको इस फोन में देखने मिलेगा, जिसमें GPU है 603 वाला, एक बेहतरीन GPU, एक बेहतरीन प्रोसेसर, ये सभी जो आपको इस फोन में देखने मिलता है। मतलब का गेमिंग का एक बेहतरीन एक्सपीरियंस आप इस फोन में ले सकते हैं। यहाँ पे बात करें रेजर की, तो इसमें भी आ रहा है क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन का 835 वाला प्रोसेसर। यहाँ दोस्तों, थोड़ा सा पुराना प्रोसेसर, जिसमें GPU 540 वाला, तो एक बेहतरीन GPU भी आपको इस फोन में देखने मिलता है, बेहतरीन प्रोसेसर भी है। बट कंपैरिजन करें दोनों को, तो यहाँ पे ब्लैक शार्क का एक लेटेस्ट प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है। बात करें दोनों फोन की बैटरीज की, तो दोनों फोन में आपको देखने को मिलेगी पूरे 4000 mAh की बैटरी। जी हाँ दोस्तों, गेमर है तो बैटरी तो बहुत ही ज्यादा चाहिए ही चाहिए। तो इसमें आपको 4000 mAh की दोनों फोन में बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि सपोर्ट करती है फास्ट चार्जिंग को। USB टाइप सी का पोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। मतलब कि ये फोन जो है वो 1 से 1.5 दिन तक चलेगा, चार्जिंग भी बहुत ही फास्ट होगा। बट यहाँ पे ब्लैक शार्क में आपको देखने को मिलेगा लिक्विड टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि इससे जो है आपका मोबाइल ज्यादा गर्म नहीं होगा। बात करें इन दोनों फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी ब्लैक शार्क में एंड्रॉइड की लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ओरियो। जी हाँ दोस्तों, 8.0 जो आपको इस फोन में देखने को मिलेगी। एंड बात करें रेजर की, तो इसमें आपको देखने को मिलेगी थोड़ी सी पुरानी वाली एंड्रॉइड 7.1। जी हाँ दोस्तों, नोगट आपको इस फोन में देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे बात करते हैं दोनों फोन की कैमरास की। तो दोस्तों, ये फोन तो गेमर्स के लिए बनाई है, बट यहाँ पे आपको काफी बेहतरीन कैमरास देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ब्लैक शार्क में आपको देखने को मिलता है 12+20 मेगापिक्सल का एक बेहतरीन कैमरा। जी हाँ दोस्तों, डुअल कैमरा आपको देखने को मिलता है विद डुअल LED फ्लैश, जिसका अपर्चर है 1.7 का। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि लो लाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड, बूके मोड, इन सभी के काफी बेहतरीन। जी हाँ दोस्तों, काफी बेहतरीन फोटोज आप यहाँ पे खींच सकते हैं। 2x ऑप्टिकल जूमिंग का आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलता है। तो मतलब गेमिंग के अलावा आप जो इसमें काफी बेहतरीन तरीके से फोटोज खींच सकते हो। यहाँ पे बात करें रेजर की, तो रेजर में भी आपको देखने को मिलता है डुअल कैमरा 12+12 मेगापिक्सल का, जिसका अपर्चर है 1.9 का एंड 2.0 का। जी हाँ दोस्तों, इसमें भी आप काफी बेहतरीन तरीके से लो लाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड, बूके मोड, 2x ऑप्टिकल जूमिंग, काफी बेहतरीन तरीके से जो फोटोज खींच सकते हो। बट यहाँ पे कंपैरिजन करें तो ब्लैक शार्क का कैमरा सच में काफी बेहतरीन है रेजर से। अब यहाँ पे बात करते हैं सेल्फी कैमरा की। तो दोस्तों, इन फोन में भी आपको काफी बेहतरीन सेल्फी खींच सकते हो। ब्लैक शार्क में आप खींच सकते हो पूरे 20 मेगापिक्सल की सेल्फी। जी हाँ दोस्तों, जिसका अपर्चर है 2.2 का, मतलब कि काफी बेहतरीन तरीके से 20 मेगापिक्सल की सेल्फी खींच सकते हो। ये मोबाइल पोर्ट्रेट मोड, बुके मोड को सपोर्ट करता है। बात करें रेजर की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी 8 मेगापिक्सल की सेल्फी, जिसका अपर्चर है 2.0 का। मतलब कि इसमें भी आप काफी बेहतरीन तरीके से सेल्फी खींच सकते हो। बट फिर से कंपैरिजन करें तो यहाँ पे ब्लैक शार्क की सेल्फी काफी
बेहतरीन आएगी। सो दोस्तों ये थे दोनों फोन के स्पेसिफिकेशन। अब बात करते हैं दोनों फोन में की कुछ कुछ कमियां के बारे में। तो यहाँ पे ब्लैक शार्क में आपको देखने मिलेगा डुअल सिम का सपोर्ट, बट यहाँ पे आप मेमोरी कार्ड यूज नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो आप कोई भी मेमोरी कार्ड डाल नहीं सकते। बात करें रेजर की तो इसमें आपको देखने मिलेगा सिंगल सिम कार्ड सपोर्ट, जी हाँ दोस्तों, बट यहाँ पे आप जो है वो SD कार्ड डाल सकते हैं। 256 GB का SD कार्ड आप जो है वो इस फोन में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों फोन में एक एडवांटेज है तो एक डिसएडवांटेज आपको देखने को मिलता है। इन दोनों फोन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिलता है। इन दोनों फोन में जो है आपको ऑडियो जैक देखने को नहीं मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो दोनों फोन है इसमें ऑडियो जैक नहीं है। एंड इन दोनों फोन में आपको देखने को मिलता है एक स्टेरियो स्पीकर। जी हाँ दोस्तों, एक बेहतरीन स्पीकर आपको इस फोन में देखने को मिलता है, मतलब कि आप गेमिंग के अलावा काफी बेहतरीन साउंड का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। गेमर्स के लिए साउंड भी काफी मैटर करता है। तो ये फोन सच में काफी बेहतरीन है। बेहतरीन डिस्प्ले है, बेहतरीन प्रोसेसर है, बेहतरीन बैटरी है। एंड यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलता है बेहतरीन साउंड भी। तो ये जो दोनों फोन है सच में काफी बेहतरीन है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं दोनों फोन की वेरिएंट की। तो दोस्तों यहाँ पे ब्लैक शार्क में आपको 2 वेरिएंट देखने को मिलेगा, जिसमें क्या होगा 6 GB की रैम, 64 GB का स्टोरेज, एंड दूसरा होगा 8 GB की रैम, 128 GB का स्टोरेज। एंड बात करें रेजर की तो इसमें आपको देखने को मिलेगा एक वेरिएंट 8 GB की रैम, 64 GB का स्टोरेज। तो यहाँ पे स्टोरेज के मामले में भी ब्लैक शार्क काफी बेहतरीन है। प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पे 32,000 and 37,000 में आता है ब्लैक शार्क, एंड 45,000 में आपको देखने को मिलता है रेजर। तो अगर आप लेना चाह रहे हैं कोई भी गेमर्स के लिए मोबाइल, तो आप जो है वो ब्लैक शार्क बेझिझक ले सकते हो। सो दोस्तों ये था हमारा ब्लैक शार्क एंड रेजर, दोनों फोन सच में काफी बेहतरीन है। बट यहाँ पे ब्लैक शार्क एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में आपको देखने को मिलता है, एंड इसकी प्राइस भी काफी कम है। रेजर थोड़ा सा पुराना है, बट यहाँ पे मेमोरी कार्ड का सपोर्ट है। बट ब्लैक शार्क में आपको बेहतरीन कैमरा देखने को मिलता है, बेहतरीन डिस्प्ले है, बेहतरीन बैटरी है, सब कुछ काफी बेहतरीन देखने को मिलता है। एंड इसकी प्राइस भी काफी कम है रेजर से। तो आप देखिए आपको लेना है ब्लैक शार्क या फिर आपको लेना है रेजर। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा जो यूट्यूब चैनल वेक्टर टेक को प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। और आपका कोई भी सुझाव हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए।